हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोग का। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते ना, किसी सर्कल का, ठीक है, किसी सर्कल के टेंजेंट, ठीक है, किसी सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, किसी मतलब किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक क्या खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए ना, क्या खींचा जाए, परपेंडिकुलर। तो वो क्या करता है ना स्टूडेंट, वो सेंटर को क्या करता है, सेंटर से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। किसी सर्कल के टेंजेंट पर, किसी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो क्या करता है, सेंटर को टच करता है, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सूर्य स्टूडेंट इसको पॉइंट देते हैं, ये टेंजेंट का नाम देते हैं ए बी, हम लोग का क्या है टेंजेंट, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं पी और इस सेंटर का नाम देते हैं। हम लोग ना एक इसको प्रूफ करने के लिए एक और परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने तो पूछेंगे इसमें परपेंडिकुलर कैसे हो गया, ठीक है, मान लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन हम लोग ने देख के लग रहा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या करें, मान लिया, ठीक है, पॉइंट पे एम पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एम पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, पी एम क्या परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, मान लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम लोग का गिवन क्या था, जो गिवन दिया उसको लिख लेते हैं, अ सर्कल विद सेंटर, ओ, ठीक है, एंड टेंजेंट ए बी द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है, हो गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, मैंने अभी बताया था प्रूफ क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसी टेंजेंट है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक क्या खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो किसे पास करता है, सेंटर से पास करता है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। लिख देंगे हम लोग परपेंडिकुलर ए बी एंड पी पासेस थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट क्या करना है ना, हम प्रूफ में देखते हैं, ठीक है। आप चलिए देखिए, इसको हम लोग ने माना है कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एम पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा, इसका इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ओ पी भी क्या होगा, ओ पी भी परपेंडिकुलर होगा, ओ पी भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ये होगा हम लोग का ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर, इसलिए कितना कितना एंगल होगा ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, एंगल एम पी बी कितना होगा 90 डिग्री। ओ पी भी क्या परपेंडिकुलर है ए बी पर, कौन से कंडीशन से, हम लोग इसको तो जानते हैं, कोई कोई सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है, ये टेंजेंट हम लोग का टेंजेंट है, सेंटर से किसी पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन ड्रॉ करने पर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किस पे, ये टेंजेंट पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। हम लोग ने इसको क्या बोलते हैं, कौन सा थ्योरम में पढ़ा है, 10.1, ठीक है, 10.1 थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तब ये भी क्या होगा, ओ पी बी भी क्या होगा, ओ एंगल ओ पी बी भी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है
परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गई ये भी, ओ पी बी, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा ना, देखिए हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को देखेंगे तो दोनों क्या है, 90 के बराबर है, एम पी बी भी 90 के बराबर है, एंगल ओ पी बी भी किसके 90 बराबर। तो हम लोग इसको लिख देंगे, एंगल एम पी बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ पी बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप क्लियर आपके लिए। एक लाइन है, ठीक है, ये क्या लाइन है, ठीक है, ये हम लोग का मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर खींचना होगा तो हम लोग ऐसे ही खींचेंगे, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये क्या होगा, केवल यही परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग का ये पॉसिबल नहीं है कि ये भी 90 का हो और ये भी क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो एक कोई नहीं होगा। तो हम लोग का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला 90 से कम ही होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, 90 से क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है, हम लोग का क्या होगा, जो ओ बी ओ पी बी क्या होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किस से, एंगल एम पी बी से, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग का होगा ओ पी बी इक्वल क्या होगा, एम पी बी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्या होगा बराबर हो, क्योंकि ये क्या है, ओ पी बी बड़ा है किससे, एम पी बी से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड एम पी कंसाइड, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जो एम पी है और ओ पी, कब मतलब कि एम पी कब पॉसिबल है कि भी ये भी परपेंडिकुलर हो, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कब होगा, एम पी कब पॉसिबल है कि एम पी भी परपेंडिकुलर हो, जब ये भी किसके ऊपर हो, इसी के ऊपर, कंसाइड मतलब वो है कि ओ पी के ही ऊपर क्या, कौन सा लाइन हो, ओ पी के ऊपर ही एम पी ही हो, ठीक है ना। ऐसे ये हम लोग का ओ पी है, इसी के ऊपर कौन सा लाइन हो, इसी के ऊपर इस एम पी हो, ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, जो परपेंडिकुलर खींचा है हम लोग ने, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे हम लोग जो परपेंडिकुलर खींचा है वो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, और हम लोग ने प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।